नमस्कार खुशी माँ, नमस्कार। मैं आपका वीडियो रेगुलरली मैं देखता रहता हूँ। अभी जी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ और मेरे भी मन में एक सवाल आया वीडियो को देख के। तो जी आप ओशो सन्यासियों के खिलाफ देखते हैं कि लगातार वार कर रहे हैं, आपको जी इतना नफरत क्यों है ओशो सन्यासियों से, यही पूछना चाहता हूँ मैं। देखिए सर, मुझे ओशो सन्यासी उसे नफरत कैसे हो सकती है। मैं खुद ओशो सन्यासी हूं, तो मुझे ओशो सन्यासियों से नफरत नहीं है। लेकिन जो चीज हमको एक्सपीरियंस होती है और हमको लगता है कि ये गलत है और ये चेंज होना चाहिए, तो उस तरफ आदमी बोलता है करुणा से ही। करुणा से ही बोला मैंने जो भी कहा। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, आपने कभी जुआ खेला है? हाँ खेला है। आपको समझ में आता है अगर कोई जुआरी हो जाए लगातार और उसके बाद उसका क्या हाल होता है? लगभग बर्बादी की ओर चल पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए कि आप इस चीज से गुजरे हुए हैं। आपने जुआ खेला, आप जुआरी बने और आप बर्बाद हुए, फिर आप अपने आप को संभाला और निपटे। उसके बाद आप अपने मित्रों को उस तरह से बर्बाद होते हुए अगर देखेंगे कि ये बर्बाद होने जा रहे हैं, जुए के राह में जा रहे हैं, तो क्या आप उनको नहीं रोकना चाहेंगे? हाँ उनको तो हम रोकना चाहेंगे, हाँ लेकिन यहाँ आपका केस में हमको लग रहा है कि आप एक जुए से रोक के आप दूसरे जुए की लत लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं, फिर मैं आपके पॉइंट पे जाती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ यही कर रही हूँ। अब अगर आप उनको रोकना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि उनको आप ये उनके खिलाफ जाना हुआ। अगर आप उनको रोक रहे हैं, तो क्या आप उनके खिलाफ जा रहे हैं? हाँ उनके खिलाफ ही है, मैं तो क्या उनकी बुराई के लिए है कि उनके अच्छे के लिए है? उनकी अच्छाई के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं उनके खिलाफ जा रहा हूं। हाँ, उनको लगेगा कि उनके खिलाफ जा रहा हूँ। और यही चीज हो रही है कि लोगों को लग रहा है, अगर मैं ओशो सन्यासियों के बारे में बोल रही हूँ कुछ, उनकी अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है, उनकी नेगेटिविटी जो मेरे अंदर खुद थी, मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ कि जो मैं उनके बारे में बोल रही हूँ वो मेरे अंदर भी थी। मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये गलत है, इससे मेरी प्रोग्रेस रुक रही है, इससे मेरा ध्यान में मैं प्रगति नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने उसको रियलाइज करके जब चेंज किया, तब मैं आप दूसरों को सावधान कर रही हूं कि आप लोग भी इस चीज को गौर कीजिए कि ओशो को पढ़ पढ़ के सिर्फ एक तोते बन गए हैं जो उनकी बातों को रट रहे हैं। ये भी भूल जा रहे हैं कि क्या हमारा असली अपना अनुभव है और क्या सिर्फ ओशो की बातें हैं। हम उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, ओशो सन्यासी क्या कर रहे हैं कि ओशो को उन्होंने इतना पढ़ लिया है, इतना रट लिया है कि वो ये भी नहीं देख पा रहे कि उनका अपना अनुभव कुछ भी नहीं है और सिर्फ बातें जमा कर लेने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके उनके ध्यान में प्रगति नहीं होगी, है ना। तो किताबी ज्ञान उन्होंने जमा कर लिया है और वही वो दूसरे को दे रहे हैं। कोई नया साधक आता है तो उसको भी वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सारा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, उसकी अपनी खोज भी रुक जाती है। और यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। तो जी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि क्लियरली आप उन ओशो सन्यासियों के खिलाफ हैं जो सिर्फ ओशो को पढ़ रहे हैं, जो ओशो के ध्यान प्रयोगों को प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और खुद उन अनुभवों से नहीं गुजर रहे हैं और दूसरों जी को ज्ञान बांटने निकल जाते हैं, आप उनके खिलाफ हैं। जी मैं खिलाफ उनके भी नहीं हूं, मेरी उनकी तरफ करुणा है। जब मैंने ये वीडियो रिलीज किया तो बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ बोला, उनको गुस्सा आया कि नहीं ओशो सन्यासीन। लेकिन बहुत अच्छे पुराने साधक जिन्होंने ओशो से भी सन्यास लिया है, वो भी मेरे फेवर में आए और उन्होंने कहा कि ये चीज हम लोगों को भी समझ में आई, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, तो उन लोगों को सीधे हर्ट कर जाएगा, तो हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा किया कि आपने इस बारे में बोला। तो पुराने ओशो सन्यासियों को भी ये बात चुभती है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे लोग तोता होते जा रहे हैं सिर्फ ओशो की बात पढ़ पढ़ के और उल्टियां करते हैं उनके ज्ञान की, जबकि उनका अपना अनुभव, अपना प्रगति रुक चुका है। तो इसमें आपको कहाँ लगता है कि किस जगह पर लोगों को सुधार करने की जरूरत है?
मुझे लगता है कि लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि ये क्या हमने पढ़ा है या हमने जिया है, क्या ये हमारा अनुभव है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, जैसे अनंतनाथ का अपना अनुभव बताया या फिर शून्यता का मैंने अपना अनुभव बताया, तो ये बहुत मैच नहीं करता है जो ओशो ने बोला है ना, लेकिन ये मेरा अनुभव है। लेकिन कल अगर मैं इसके बारे में बात करती तो मैं वही सब बातें करती जो ओशो ने कही है ना, जो कि मेरा अनुभव था नहीं, लेकिन अब मेरा अनुभव ओशो से मिलता जुलता जरूर है लेकिन सेम नहीं है। और जब हम उस ज्ञान से भरे रहते हैं जो किताबी है, हमारा अपना अनुभव हमें होना बंद हो जाता है, हम नहीं जा पाते। तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारा, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा अनुभव है या सिर्फ किताबी है। किताबी है तो हमें अपने आप को बंद करना चाहिए, चुप करना चाहिए कि नहीं, इस बारे में हमको नहीं बोलना है, इसको हमको अनुभव करके देखना है, ध्यान में ध्यान करें ज्यादा से ज्यादा, बजाय इसके कि सिर्फ किताबें पढ़ते रहें। क्योंकि ओशो ने घूम फिर के सिर्फ यही कहा है कि आप ध्यान कीजिए। आप समझ रहे मेरी बात? ओशो अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आप अगर ओशो को आपने भी पढ़ा होगा तो वो एक जगह पे एक बात करते हैं, कहते हैं, और फिर उसी के उसी को अपनी बात को दूसरे में कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। आपको ऐसा अनुभव हुआ है? हाँ, हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ओशो भी ये कहना चाहते हैं कि तर्क से चीजें नहीं होती हैं। तर्क से मैं कभी भी इस चीज को बढ़ा सकता हूं और इसी चीज को तर्क से मैं गिरा भी सकता हूं। तो ये सच नहीं है, शब्द सच नहीं है, शब्द सच सत्य है आपका अनुभव, जो आप अपने अंदर से जानेंगे वो सच होगा। इसलिए शब्दों में मत फंसो, वरना फिर फंसे रह जाओगे कि ये सही है कि वो सही है। जिसने ये वाली किताब पढ़ ली वो इसको अच्छा मानने लगेगा, और इसी बारे में कॉन्ट्रडिक्शन वाली किताब पढ़ ली वो नीचे मानने लगेगा। मैं आपका कमेंट्स पढ़ रहा था उस वीडियो के नीचे। हाँ जी, कुछ लोगों के कमेंट्स थे, जिस कमेंट्स का सीधा सीधा निशाना आपके ऊपर था कि खुशी माँ खुद को गुरु साबित करना चाहती है, इस बात को आप कितना दूर तक सच मानते हैं? देखिए, गुरु साबित करने की मैंने कभी कोशिश, गुरु मैं नहीं हूँ, ये मैंने भले ही हर वीडियो में ना सही, जो मेरे से कांटेक्ट में आते हैं या आपने और भी अगर मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे जो मेरे को गुरु कहने की कोशिश करते हैं, मैं क्लियर बताती हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी एक साधक हूँ। और लेकिन साधना के पथ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आज कि अब मुझे किसी की बातें भटका नहीं सकती हैं, जो कल भटकाती थी उतनी कॉन्शियसनेस मेरे अंदर आ गई है कि मैं भटक, अब मुझे कोई भटका नहीं सकता। मुझे ये पता है कि ये चीज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पे मैं सही हूँ और यहाँ पे मैं गलत हूँ, अंदर झांक सकती हूँ, लेकिन मैं हूँ एक साधक ही। ठीक है, मैंने अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि आप कहाँ तक, आपका कहाँ तक ध्यान पहुंचा हुआ है। मैंने उसमें साफ साफ बताया कि ये चीजें मेरे को अनुभव हुई है और इन इन चीजों के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं साफ बोलती हूँ, मुझे कुंडलिनी के बारे में नहीं मालूम है, मुझे शस्त्रार का कोई अनुभव नहीं है, मुझे निर्वाण का कोई अनुभव नहीं है। तो जहां मुझे अनुभव नहीं है मैं वहां साफ बताती हूँ कि मुझे अनुभव नहीं है, तो मैं गुरु का रोल कभी प्ले नहीं कर सकती हूँ। मैं आज ही ये बात नहीं कह रही हूँ, कल अगर मुझे ऐसा लगा भी कि हाँ मैं इस लायक हो गई हूँ, तभी मैं ये बात नहीं बोलूंगी कि गुरु, क्योंकि गुरु बनना बहुत खतरनाक है, लोगों की उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं जिसको पूरा करना मुश्किल है। तो मुझे कोई शौक नहीं है गुरु बनने का। नहीं, और कुछ कमेंट्स मैंने देखे जी, मैं आपको फीमेल सखा बता रहे हैं ये आप अपनी बात बोल रहे हैं ऐसा कमेंट मैंने तो नहीं पढ़ा है, ये आपके मन की बात है, आप मुझे फीमेल सखा बता रहे हैं नहीं, बात से तो आपका भी लगता है कि सखा जैसे ओशो का पूरा बात को, जितने भी उनके प्रवचन होते हैं सखा के, ओशो के बात को घुमा फिरा के लपेट के बोलते हैं अपनी बात वो खुद को ओशो के जगह से रिप्लेस करके उसका जगह पर बैठना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं हमको भी लग रहा है कि उसी माँ भी सखा का ही रोल प्ले कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं फीमेल सखा का रोल नहीं प्ले करूंगी, ये तो फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि भीड़ जमा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। सखा की तो मुझे स्थिति थोड़ी नहीं बोलना चाहूंगी, दयनीय लगती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे साधक रहे हैं। खैर, मैं नहीं बोलती उसके बारे में, नहीं बोलूंगी सखा के बारे में, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अपने बारे में बोलूंगी कि
मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, मैं क्लियरली जो मुझसे लोग जुड़ते जाते हैं मैं उनको बताती हूँ कि मैं एक साधक हूँ और एक साधक की तरह मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, एक मित्र की तरह। बाकी लोग क्या समझते हैं क्या सोचते हैं उनकी स्वतंत्रता है, मैं अपनी तरफ से ईमानदार हूँ और जो लोग मेरी ईमानदारी को महसूस कर पाते हैं वो लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। अभी भी मेरे पास बहुत भीड़ नहीं है, मेरे पास वो लोग हैं जो मेरे मुझे मुझ पे धीरे धीरे विश्वास करते हैं, और कुछ लोग जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो बहुत गहराई से मुझसे जुड़े हुए हैं, हर वीडियो मेरा देखते हैं ताकि मुझे क्रिटिसाइज कर सके, उनके लिए भी मैं मुझे धन्यवाद है उनका भी कि मेरा वीडियो देखते हैं। अभी हम लोग क्या समझें, आप निकट भविष्य में कोई शिविर या कोई आश्रम इस तरह का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि शिविर ऑर्गेनाइज करेंगे, आश्रम बनाएंगे, वहां पर अपने हिसाब से साधकों को रखेंगे, साधना कराएंगे, ऐसी कोई योजना है निकट भविष्य में आपके? निकट भविष्य में अभी मेरी कोई योजना नहीं है। हाँ, योजना है भी और नहीं भी इस हिसाब से कि मैंने बताया है कि मैं एक ध्यान पे काम कर रही हूँ, जो ध्यान मैंने खुद डिजाइन किया है, और इस ध्यान का जब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये अब इतना मैं इसमें इतनी पक चुकी हूँ कि मैं इस चीज को दे सकती हूँ दूसरे को कॉन्फिडेंस के साथ, तब मैं शिविर ऑर्गेनाइज करवाऊंगी और तब सोचूंगी इस बारे में। अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच रही, अभी मेरा पूरा फोकस मेरे खुद के ऊपर है और मुझे थोड़ा बहुत जो होता है अनुभव मैं दूसरों के साथ शेयर करती हूँ, और बाकी आपके सवाल मैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ वीडियो को।